हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर डेली एमपीपीएससी एमसीक्यू पार्ट नंबर 24 प्रेजेंटेड बाय मी आदित्य दुबे। इन दिस लेसन वी विल लुक फॉरवर्ड टू सम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड ऑन अवार्ड्स ऑफ मध्य प्रदेश। दिस इज द पार्ट ए। आई एम गोइंग टू सून अपलोड पार्ट नंबर बी एज वेल एज सी वेरी सून। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कबीर अवार्ड जो कि दिया जाता है पोएटिक जीनियस को इन द फील्ड ऑफ इंडियन पोएट्री, उसकी शुरुआत कब से हुई? टू ऑनर पोएटिक जीनियस इन द फील्ड ऑफ इंडियन पोएट्री, कबीर अवार्ड इनिशिएटेड ऑन विच ईयर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 1986। अगर बात की जाए ईयर की तो 1986 और 87 से इसकी शुरुआत हुई थी कबीर अवार्ड की, ताकि जो भी इंडियन पोएट्री के जो पोएटिक जीनियस हैं उनको अवार्ड कॉन्फर किया जा सके। अब इस अवार्ड के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। सबसे पहली बात तो इसकी राशि आपसे पूछी जा सकती है कि कबीर अवार्ड में कितनी अमाउंट या कितनी राशि दी जाती है। तो ये दी जाती है 3 लाख रुपीज। ओके, याद रखिएगा 3 लाख रुपीज दी जाती है कबीर अवार्ड की प्राइस। और अगर दूसरे फैक्ट की अगर बात की जाए तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई। तो ये स्थापना वाला तो क्वेश्चन हो गया कि 1986-87 को कबीर अवार्ड की शुरुआत हुई। लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन थोड़ा करेंट अफेयर से डील करता है। कबीर अवार्ड 2017 का किसको दिया गया? ओके, तो कबीर अवार्ड 2017 का जो मिला है वो मिला है मिस प्रतिभा सतपाथी को। मिस प्रतिभा सतपाथी वन कबीर अवार्ड 2017। अच्छा, इनके बारे में बताना चाहूंगा, ये एक ओडिया पोएट हैं। ओके, ओडिया की पोएट हैं और इनको कबीर अवार्ड 2017 मिला। अब ये अवार्ड कहाँ पे दिया गया ये भी याद रखिएगा, ये अवार्ड दिया गया इनको भोपाल में। और अगर दूसरे फैक्ट की अगर बात की जाए तो आपसे पूछा जा सकता है कि पहला कबीर अवार्ड मीन्स फर्स्ट कबीर अवार्ड कॉन्फर्ड टू हुम, मतलब पहला कबीर अवार्ड किस व्यक्ति को मिला, तो वो है गोपाल कृष्ण अडिक। गोपाल कृष्ण अडिक वन द फर्स्ट कबीर अवार्ड। और ये किस फील्ड से ताल्लुकात रखते हैं? ये कन्नड़ पोएट हैं। ओके, कन्नड़ पोएट हैं गोपाल कृष्ण अडिक, जिनको फर्स्ट टाइम कबीर अवार्ड दिया गया था। और प्रतिभा सतपाथी जी को अभी हाल ही में 2017 का कबीर अवार्ड मिला, जो कि एक ओडिया पोएट हैं। लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जो एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है जिसको कहा जाता है तानसेन अवार्ड, जो कि क्लासिकल म्यूजिक के फील्ड में दिया जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई? याद रखिएगा, प्रेस्टिजियस अवार्ड इन द फील्ड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक तानसेन अवार्ड इनिशिएटेड ऑन विच ईयर? तो ये आपसे ईयर पूछा गया है, तो इसकी बात की जाए आंसर की तो ये है ऑप्शन ए, दैट इज 1980 से तानसेन अवार्ड की शुरुआत की गई, जो कि क्लासिकल म्यूजिक के फील्ड में दिया जाता है। अब इससे जुड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट एक ये है कि इसकी प्राइज मनी कितनी है। तो इसकी प्राइस मनी है 2 लाख रुपीज। ओके, 2 लाख रुपीज। अब ये हर साल दिया जाता है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि तानसेन अवार्ड कहाँ पे दिया जाता है? तो तानसेन अवार्ड दिया जाता है तानसेन समारोह में, जो कि होता है हर साल ग्वालियर में। ओके, ये याद रखिएगा, मैप में पोजीशन भी याद रखिएगा ग्वालियर कहाँ पे है। तो ये दिया जाता है ग्वालियर में हर साल, और सबसे पहली बार अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1980 में। और अगर बात की जाए अगले क्वेश्चन की, जो डील करता है कि तानसेन अवार्ड 2017 का किसको मिला, तो ये भी आप याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। तानसेन अवार्ड जो 2017 का जो मिला था वो मिला था पंडित उल्लास कुशालकर को। ओके, पंडित उल्लास कुशालकर को 2017 का तानसेन अवार्ड दिया गया। अब अगर बात की जाए दूसरे फैक्ट की कि पहला तानसेन अवार्ड किसको मिला, तो ये भी आप याद रखिएगा, ये जो ऑप्शन बी सी डी दिए गए हैं, मतलब उस्ताद बिस्मिल्ला खान, कृष्णराव शंकर पंडित और हीराबाई बड़ोटकरांत, इनको मिला था पहली बार तानसेन अवार्ड, जो कि शुरुआत हुई थी जिसकी 1980 में। याद रखिएगा 1980 में तानसेन अवार्ड की शुरुआत हुई थी, 2 लाख रुपए इसकी प्राइज मनी है। और जो 2017 का तानसेन अवार्ड मिला है वो मिला है पंडित उल्लास कुशालकर को। और सबसे पहली बार अगर बात की जाए तानसेन अवार्ड की, तो वो मिला था उस्ताद बिस्मिल्ला खान को, कृष्णराव शंकर पंडित को और हीराबाई बड़ोटकरांत को। ओके, लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कालिदास सम्मान मीन्स कालिदास अवार्ड जो है उसकी शुरुआत किस वर्ष से की गई? ओके, तो इसकी जो शुरुआत की गई थी वो है ऑप्शन ए, दैट इज 1980। अगर स्पेसिफिक बोला जाए तो 1980 टू 81 के बीच में कालिदास अवार्ड की शुरुआत हुई थी। ओके, ये जो दिया जाता है ये एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है, जो कि कल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाता है मध्य प्रदेश के। और ये 4 फील्ड के लिए दिया जाता है। याद रखिएगा, आपसे 4 फील्ड भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो ये कौन कौन सी फील्ड है? एक है क्लासिकल म्यूजिक, दूसरी है क्लासिकल डांस, तीसरा है थिएटर और चौथा है विजुअल आर्ट। ओके, तो जिसको फाइन आर्ट नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस, थिएटर और विजुअल आर्ट के क्षेत्र में कालिदास अवार्ड दिया जाता है, मतलब ये 4 क्षेत्रों में दिया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1980 और 81 में।
अगर दूसरे फैक्ट की अगर बात की जाए तो कालिदास अवार्ड 2018 को किसको दिया गया, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है किसी भी आप एमपीपीएससी के एग्जाम में या एमपी गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम में, एमपी के अवार्ड काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 2018 का जो कालिदास अवार्ड दिया गया है वो है ऑप्शन ए, दैट इज एंजोली एला मेनन को। एंजोली एला मेनन को मिला है कालिदास अवार्ड 2018 का, और ये मिला है इनको विजुअल आर्ट फील्ड के लिए। याद रखिएगा, विजुअल आर्ट के लिए एंजोली एला मेनन को कालिदास अवार्ड 2018 दिया गया। अब जैसे मैंने आपको बताया पिछली स्लाइड में कि कालिदास अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1980 और 81 में, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और ये भी हो सकता है कि सबसे पहली बार मींस फर्स्ट टाइम कालिदास अवार्ड किसको मिला, तो ये भी आप याद रखिएगा। फर्स्ट टाइम जो कालिदास अवार्ड मिला है वो है पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर को और पंडित सेमागुड़ी श्रीनिवास अय्यर को। ये दोनों व्यक्तियों को मिला है कालिदास अवार्ड सबसे पहली बार। याद रखिएगा, मल्लिकार्जुन मरसूर और सेमागुड़ी श्रीनिवास अय्यर को सबसे पहला कालिदास अवार्ड मिला है। और ये किस फील्ड के लिए मिला है इनको, ये मिला है क्लासिकल म्यूजिक के लिए। अब जैसा मैंने आपको बताया कि कालिदास अवार्ड जो है वो चार फील्ड के लिए दिया जाता है, क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस, थिएटर और विजुअल आर्ट। तो 2018 का जो मिला है वो मिला है एंजोली एला मेनन को, जो कि मिला है विजुअल आर्ट के लिए। और अगर बात की जाए सबसे पहले वाले की, तो वो मिला है मल्लिकार्जुन मंसूर को और सेमागुड़ी श्रीनिवास अय्यर को, जो कि मिला है क्लासिकल म्यूजिक के लिए। सो, ये था हमारा पार्ट ए। आई होप आपको ये पसंद आया हो। यदि आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा लाइक करके और कमेंट करके, और मैं और कोशिश करूँगा जल्दी ही वीडियो अपलोड करने की। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ प्रीवियस प्लेलिस्ट ज़रूर ट्राई कीजिएगा, चाहे वो वर्ल्ड हिस्ट्री की हो, एमपीपीएससी मेंस पेपर 2 पार्ट बी की हो, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की हो, या जो दूसरे लेक्चर सीरीज़ मैंने बनाई हुई है वो भी आप देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैं ग्रुप की फर्दर अपडेट्स करता हूँ। लिंक है t.me/आदित्य दुबे MPPSC। इसके अलावा आप फेसबुक में भी मुझसे जुड़ सकते हैं, फेसबुक की लिंक है facebook.com/आदित्य दुबे MPPSC, या आप ट्विटर में भी मुझसे जुड़ सकते हैं twitter.com/cyberaditya। सो दैट्स इट फॉर नाउ। आई होप यू आर डूइंग वेल। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। गुड लक।